हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगर आपका फ़ोन मेमोरी फुल हो गया है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आपका फ़ोन मेमोरी, आपका यहां पे देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ोन मेमोरी फुल हो गया और आपने अपना कोई चिप कार्ड अपना लगाया हुआ है और आप चाहते हैं कि फ़ोन मेमोरी से चिप कार्ड में चला जाए, SD कार्ड में चला जाए। देख सकते हैं जैसा कि हमारा फ़ोन मेमोरी यहाँ पर 92% फुल हो चुका है और हमारा चिप कार्ड जो 42% फुल हुआ है। अभी हमारे चिप कार्ड में स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा 128 GB का हमारा 128 GB का हमारा स्पेस इसमें है। तो इसको आप चाहते हैं कि आप फ़ोन मेमोरी से आप चिप कार्ड में कोई भी फाइल या अपना कोई भी आइटम जो है अपना कॉपी करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, ताकि आपका फ़ोन मेमोरी का जगह खाली हो सके, वो भी कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों मैं आपको पूरा कंप्लीट तरीका बताऊंगा। या फिर आप चाहते हैं कि फ़ोन मेमोरी से चिप कार्ड में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कोई भी फाइल या डेटा, तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप बने रहिए इस वीडियो पर, देखिए और सीखिए, पूरा कम्प्लीट तरीका मैं आपको बताऊँगा, बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमारा इंटरनल स्टोरेज बता रहा है और यहाँ पर इसको तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस SD कार्ड या बताएगा, यानी कि SD कार्ड में जो जो चीज़ें हैं ये इसमें दिखाएगा। और अगर जिससे इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो इंटरनल स्टोरेज वाला ऑप्शन यहाँ पे फाइल खुल के सामने आ जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों आप अगर चाहते हैं, जैसे कि कोई भी फाइल आप चाहते हैं, यहाँ पे जैसे मूवीज़, हम जैसे मूवीज़ में हमने रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ है, अब यही चाहते हैं कि जैसे कि हम ये वाला फाइल अपना मेमोरी कार्ड में डालना चाहते हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं खाली बॉक्सेज हैं जिस पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से दोस्तों आप यहां से दोस्तों देखिए आपको यहां पे ऑप्शन मिल रहा है कि एक मूव करने का ऑप्शन मिल रहा है और दूसरे यहां पे मोर का ऑप्शन मिल रहा है। मोर वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पे कॉपी करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहां से दोस्तों मैं बता दूं, कॉपी करने का ऑप्शन नियम अलग है और मूव करने का नियम अलग है। जैसे अगर आप कॉपी करते हैं तो ऐसा कॉपी करने का नियम ये है कि अगर आप जब कॉपी करते हैं तो जो फाइल आपके फ़ोन मेमोरी कार्ड में रहेगा वैसे ही आप फोन मेमोरी में रहेगा वैसे ही वही का फाइल जो है आपका चिप कार्ड में भी चला जाएगा यहाँ से, यानी कि फ़ोन मेमोरी से हटेगा नहीं, डिलीट नहीं होगा, बस खाली आपका कॉपी हो जाएगा। अगर आप मूव करते हैं तो फ़ोन मेमोरी से हट करके आपका चिप कार्ड में चला जाएगा और यहाँ से फ़ोन मेमोरी का जगह खाली हो जाएगा। तो क्या चीज़ करना चाहते हैं वो चीज़ आपके ऊपर है। तो जैसे कि मान लीजिए हम फ़ोन मेमोरी को हमारा फुल है तो हम उसको खाली करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मूव का ऑप्शन मिल रहा है तो मूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए दो तरह के ऑप्शन खिल के सामने आ गए। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे SD कार्ड मिल रहा है यानी चिप कार्ड और ये फ़ोन मेमोरी का। तो फ़ोन मेमोरी हमारे देख सकते हैं 4 GB जगह खाली है और हमारे चिप कार्ड में 73 GB खाली है। तो जो चीज़ आप जैसे कि आप अपने फ़ोन मेमोरी से चिप कार्ड में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे फोन चिप कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे चिप कार्ड का सारा फोल्डर खुल के सामने आ गया है। अब यहाँ पे दोस्तों कौन से फोल्डर में डालना चाहते हैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर दोस्तों आप नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मोर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद से दोस्तों देख सकते हैं क्रिएट फोल्डर का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद से क्या फोल्डर का नाम रखना चाहते हैं वो अपना फोल्डर का नाम रख देंगे। उसके बाद से ओके वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो फोल्डर बनके तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद से दोस्तों अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने फोल्डर अपना सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे पेस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं पेस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जैसे देख सकते हैं मूविंग होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं हमारा मूविंग स्टार्ट हो चुका है। अब उसके बाद से हमारा देख सकते हैं यहाँ पे फाइल हमारा कॉपी हो चुका है, मूव हो चुका है। अब यहाँ से हमारा स्टोरेज भी हमारा खाली हो गया होगा। यहाँ पे आपका जो इंटरनल स्टोरेज था दिखा रहा था वो इंटरनल स्टोरेज आपका खाली हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी मोबाइल का फ़ोन में अपना जो है चिप कार्ड लगाए हुए हैं तो कोई किसी भी मोबाइल का जो है चिप कार्ड को अपना चिप कार्ड में कॉपी कर सकते हैं, फ़ोन स्टोरेज को खाली कर सकते हैं या फिर कोई भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको पूरा कंप्लीट तरीका बताया। दोस्तों अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लगा तो एक लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।